आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार। देश में बीते 24 घंटे में 5,326 नए कोरोना मामले आए सामने, 453 संक्रमितों की मौत। खाने के तेल की कीमत होगी कम, रिफाइंड पाम ऑयल में कस्टम ड्यूटी घटकर 12.5% हुई। हिमाचल प्रदेश के सोलन का न्यूनतम तापमान -1.2 डिग्री सेल्सियस से नीचे लुढ़का। फिरोजाबाद में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, दो गांजा तस्कर हुए गिरफ्तार, 30 लाख का अवैध गांजा भी बरामद। बलरामपुर में आजादी की 75वीं अमृत महोत्सव का होगा समापन, जयेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में होगा कार्यक्रम। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। भाजपा की जन विश्वास यात्रा देर रात अलीगढ़ पहुंची और आज अलीगढ़ में भ्रमण कर रही है। इस जन विश्वास यात्रा में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी शामिल हुए। जनसभा की खास बात यह रही कि मुस्लिम क्षेत्रों में भी लोगों ने उसका स्वागत किया। इस दौरान दिनेश शर्मा सीएम योगी की तारीफ भी की तो वहीं विपक्ष पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ माननीय कल्याण सिंह की कर्मस्थली है, योगी जी के प्रति मोदी जी के प्रति लोगों का आकर्षण है, इसलिए आज पूरा जनसमुदाय सड़क पर उतरा हुआ है। ये जनसैलाब इस बात का परिचायक है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना रिकॉर्ड स्वयं तोड़ेगी और विपक्ष के पास शक्ति और क्षमता नहीं है, उनके पास मुद्दा नहीं है, उनके पास काम करने का कौशल नहीं है, इसलिए वो आज जाति धर्म और क्षेत्र के आधार पर तमाम दलों के दरबार में जा रहे हैं और उसको कोई मदद नहीं कर रहा है। सपा बसपा कांग्रेस भी तीनों का गठबंधन हुआ, हार गया और मैं समझता हूं कि चुनाव इस भारत की तकदीर को लिखेगा, ये चुनाव इस उत्तर प्रदेश की विकास की गाथा को लिखेगा। पूरे प्रदेश में जिन प्रकार से जन विश्वास यात्राओं का स्वागत हो रहा है भूतपूर्व है। मैं 3.5 घंटे लेट हुआ हूं और सड़क से निकल जाने के बाद जब देखा हजार लोग आज यहां पर खड़े केवल स्वागत के लिए, यह अभूतपूर्व है। और ये जाहिर है कि जनता का विश्वास कि बीजेपी में योगी जी और मोदी जी में जनता का विश्वास जागृत हुआ है और फिर से पिछला रिकॉर्ड भारतीय जनता। ताज नगरी आगरा में कांग्रेस ने प्रदेश सचिव अमित शर्मा के नेतृत्व में महिला प्रतिज्ञा यात्रा निकाली, जिसे सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और युवतियां मौजूद रहीं। कांग्रेसियों ने इस प्रतिज्ञा यात्रा में बढ़ती महंगाई को लेकर रोष जताया। इस दौरान शहर की महिलाओं ने कहा कि हम पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने को तैयार हैं। मिर्जापुर में 3,222 करोड़ की योजनाओं से बने राजमार्गों का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकार्पण किया। इस दौरान 95 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2014 के पहले चेहरा देखकर काम होता था, विकास में भेदभाव होता था, जब सोच परिवार की होगी तो राष्ट्र पिछड़ जाएगा। बलरामपुर में बड़ा परेड ग्राउंड में एक माह से चल रहे आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम समापन के कार्यक्रम का आज आयोजन किया जाएगा। ये समापन का कार्यक्रम महाराज जयनेन्द्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में किया जाएगा। कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता सुबूही खान भी मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहेंगी। साथ ही देवीपाटन शक्तिपीठ के महंत मिथिलेश नाथ और हनुमानगढ़ी के महंत महेंद्र दास भी उपस्थित रहेंगे। बता दें कि जिले के विभिन्न स्थानों पर भी इस कार्यक्रम को लोक विविध कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया के तहत ब्लॉक में रिक्त प्रधान पद के लिए ग्राम पंचायत टेढ़वा में भारी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई। बता दें कि बेहजम ब्लॉक के ग्राम पंचायत टेढ़वा में मदनलाल तिवारी प्रधान की आकस्मिक मृत्यु हो जाने के पश्चात रिक्त पद पर दो उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया था, जिसके तहत लोगों ने बढ़ चढ़कर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में शांतिपूर्ण मतदान किया। इस मतदान केंद्र पर खंड विकास अधिकारी बेहजम शिखर श्रीवास्तव, एडीओ पंचायत रामाधान के साथ साथ सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने पहुंचकर चुनाव प्रक्रिया का जायजा लिया। आगरा के सैया में हुए समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता पहुंचे और इस कार्यक्रम में मानवेंद्र सिंह के आवास पर मैत्री मुलाकात कार्यक्रम किया गया। सभी कार्यकर्ता मिलकर विधानसभा संकल्प सभा के आयोजन शीर्ष नेतृत्व घोषित प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह उर्फ बाबा भैया के साथ विजयी यात्रा की शुरुआत करने का आह्वान भी किया गया। तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा समाजवादी के कार्यकर्ता वहां पहुंचे और आगामी विधानसभा चुनाव में चाहे समाजवादी पार्टी किसी को भी विधानसभा से प्रत्याशी बनाए, सभी कार्यकर्ताओं का हमारा ये एक निवेदन है। फतेहपुर विकासखंड खजुआ में मंडराव गांव के प्राथमिक और जूनियर विद्यालय का मामला सामने आया है, जहां जेट्रोफा का फल खाने से लगभग ढाई दर्जन बच्चे बीमार हो गए हैं, जिसकी वजह से विद्यालय में अफरा तफरी मच गई। जिसकी सूचना मिलते ही परिवारजन भी पहुंचे और उनमें हड़कंप मच गया। आदन फानन में बच्चों को इलाज के लिए पिंकी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। फिलहाल सभी बच्चे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। तो वहीं मौके पर पहुंचे बिंदकी उप जिलाधिकारी अवधेश कुमार निगम बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ले रहे हैं। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अमरदीप जुड़ चुके हैं फतेहपुर से। अमरदीप, कौन सा फल खाने से बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है? जी, ये बात बिल्कुल सही है शिखा जी, कि मामला फतेहपुर जनपद के विकासखंड खजुआ मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक लालपुर मड़राव पड़ता है। मड़राव के प्राथमिक विद्यालय का और जूनियर विद्यालय का मामला है, जहां पर मध्याह्न अवकाश के बाद के समय पर जो है लगभग जो है एक जेट्रोफा फल होता है, जो जहरीला होता है पर इतना जहरीला नहीं होता जी। और उसको खाने के बाद जो है लगभग 30 से यानी 2.5 दर्जन से ज्यादा बच्चों की तबीयत खराब हुई है। और जैसे ही एक दूसरे बच्चे जो है तबीयत खराब होने लगी, वैसे ही जो है तुरंत जो है शिक्षक ने एम्बुलेंस को फोन करके बिंकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। पर उन सारे बच्चों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जी जी अमरदीप, हम ये जानना चाहेंगे कि अगर ये फल जहरीला होता है तो ये बच्चों की पहुंच तक कैसे पहुंचा? देखिए, होता ये है कि मध्याह्न अवकाश यानी जिसको इंटरवल बोलते हैं, इंटरवल के दौरान कुछ बच्चे अपने घर जाके खाना खाते हैं, कुछ बच्चे जो है फील्ड में खेलने लगते हैं, कुछ बच्चे बाउंड्री से बाहर निकल जाते हैं। तो बाउंड्री के बाहर निकलने के बाद, क्योंकि देहातों में जो भी विद्यालय है वो अंदर तो टिप टाप है, बाकी बाहर पेड़ है, झंकार है, सारी चीजें हैं, तो उसमें से किसी बच्चे ने ऐसा कर लिया और एक बच्चे के द्वारा वो पूरा फल फैलते फैलते इन 2.5 दर्जन से ज्यादा बच्चों के बीच पहुंच गया, जिनको खा करके वो पूरी तरीके से बीमार हो गए। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे संवाददाता अमरदीप जुड़े थे फतेहपुर से। फिरोजाबाद में पुलिस महानिरीक्षक महोदय आगरा परिक्षेत्र की ओर से जिलाधिकारी फिरोजाबाद और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद महोदय की उपस्थिति में जनपद के 759 चौकीदारों को सम्मानित किया गया। चौकीदारों को बैग, बेल्ट और लाठी समेत कई सामान वितरित किए गए, साथ ही चौकीदारों का डॉक्टरों की टीम के तहत स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया गया। फिरोजाबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस सर्विलांस टीम द्वारा उड़ीसा से अवैध रूप से तस्करी कर ट्रक में लाए जा रहे 30 लाख रुपए की कीमत वाले हाई क्वालिटी अवैध गांजा सहित दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इस दौरान एक अन्य आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है।
तो फिरोजाबाद से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जब पुलिस को सफलता हाथ लगी है और बता दें कि बड़ी कीमत का ये गांजा हाथ लगा है। 30 लाख की कीमत बताई जा रही है इस गांजे की, जो कि हाई क्वालिटी अवैध गांजा है। हाथरस में मथुरा जन विश्वास यात्रा की तैयारियों और भव्य स्वागत को लेकर भाजपाइयों की लगातार तैयारियां जारी है, जिसको लेकर एक बैठक पार्टी के जिलाध्यक्ष गौरव आर्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय गौशाला रोड पर हुई, जिसमें भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र चौधरी, दोनों विधायक और विधानसभा यात्रा प्रमुख के साथ पार्टी के सभी प्रमुख पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सभी कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। महोबा की सदर तहसील में तैनात नायाब तहसीलदार पर ट्रक मालिकों से अवैध वसूली का आरोप लग गया है। यह आरोप नायाब तहसीलदार पर ट्रक मालिकों ने लगाया है, जिसकी शिकायत लेकर ट्रक यूनियन और ट्रक मालिक तहसील पहुंचे और नायाब तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। बता दें कि तहसीलदार पर रात में सड़क पर निकलकर ट्रकों को रोककर नाजायज पेशकश करने और रुपए लेने के नायाब तहसीलदार पर जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जब तहसीलदार पंकज गौतम से इस बारे में पूछा गया तो वो कैमरे से बचते हुए नजर आए। अरे ये हमारे महोबा में नए नायब तहसीलदार आए हैं, इनका नियम है कि परसों शाम को निकले, परसों तो इन्हें पुलिस लाइन में वसूली की कम से कम 30-40 हज़ार रुपए, जिससे पैसा लिया है उस हमारे लोकल के मोटर मालिक हैं, बहुत ही परेशान हैं, अपनी गाड़ियों का टैक्स जमा नहीं कर पा रहे हैं, वसूली कर। आज इन्होंने सुबह जेल के पास खड़े होकर एक गाड़ी से 40 हज़ार रुपये लिया। ड्राइवर बेचारा मुनीम बेचारा कहता रह गया कि साहब ओवरलोड नहीं है हमारी गाड़ी, कांटा करा लो, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में जा रही है, और इन्होंने ना कोई कांटा कराया और बोले लोकेशन में और बंद कर देंगे तुमको, अभी तो जेल जाओगे। और बाद में उसके मुनीम से 40 हज़ार रुपये ज़बरदस्ती ले लिया, होमगार्ड रहा, और कम से कम नायब तहसीलदार के साथ कम से कम 10 लोग थे, पूरी गाड़ी भरी हुई थी, मतलब दो दो मतलब फालतू के लोग बैठा के चेकिंग का बहाना करके और बस पूरी रात पैसे की वसूली कर रहे हैं। अब गाड़ी पकड़ ली हमारी और हम कहने लगे कि हमें चलो कांटा कराओ, बोले यहाँ कुछ नहीं होगा, बोले पैदल जल्दी भागो यहाँ से, 40 हज़ार रुपये लिए। किसने लिए? ना तहसीलदार, एक होमगार्ड था, बोले भागो यहाँ से, की ड्यूटी में जाए, साहब की ड्यूटी लगी होगी, साहब जाएंगे तो हम लोग जाते हैं। अच्छा साहब जाते हैं तो आप तो भी। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता दिलीप जुड़ चुके हैं महोबा से। दिलीप, जिस तरह से अवैध वसूली का ये मामला सामने आ रहा है, कितने दिनों से परेशान है ये ट्रक चालक? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो ट्रक संचालक है, इनका आरोप है कि करीब 3-4 दिनों से जो सदर तहसील में तैनात नायब तहसीलदार पंकज गौतम है, ये 3-4 दिनों से प्रतिदिन रात्रि में होमगार्ड और लेखपाल को साथ लेकर के और साथ पे निकलते हैं और चेकिंग के नाम पर इनका कहना है कि इनका शोषण किया जाता है, लगातार गाड़ियों से वसूली का 3-4 दिनों से चर्चाएं हैं कि नायब तहसील द्वारा ट्रकों से धमकाकर और कार्रवाई के नाम पर वसूली की जा रही है। इसी को लेकर आज सुबह एक ट्रक निकला, जिसको नायब तहसीलदार ने सुबह करीब 5 से 6 के बीच जो ड्राइवर ने बताया और ट्रक संचालकों ने कि इन्होंने मुख्यालय के ही हमीरपुर चुंगी के पास ट्रक को रोका और रोककर उससे कहा कि तुम्हारी गाड़ी बंद करा दे। कई घंटे 2-3 घंटे गाड़ी खड़ी करने के बावजूद उससे 40 हज़ार रुपए उस ट्रक मालिक को लाचार होकर देना पड़े और उनका वहां मौके का इनकी गाड़ी का वीडियो भी पाया गया, चूंकि 5 बजे कौन सी चेकिंग करने गए थे और किस बात की चेकिंग नायब तहसीलदार कर रहे थे ट्रकों की, ये स्पष्ट वो नहीं कर सके हैं और उन्होंने कैमरे के सामने आने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो ट्रक यूनियन है उनमें खासा आक्रोश है और वो लोग सदर तहसील पहुंचकर उनकी जो नायब तहसीलदार है उनसे उन्होंने बातचीत की, लेकिन उसके बाद ये पूरा मामला बिगड़ता हुआ देख नायब तहसीलदार ने ये उल्टा आरोप लगाना शुरू कर दिया कि इन लोगों ने नायब तहसीलदार को तहसील में बंधक बनाया, जबकि वहां मौके पर मीडिया कर्मी भी मौजूद थे, लेकिन नायब तहसीलदार जो पंकज गौतम है उन्होंने कैमरे पे बोलने से कुछ भी इनकार कर दिया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता दिलीप जुड़े थे महोबा से।
सुल्तानपुर में महिला से मिलने आए प्रेमी की हत्या के मामले में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। 24 घंटे के भीतर पुलिस ने महिला के दो देवरों समेत चार को गिरफ्तार कर लिया। वहीं हत्या में लाठी डंडे और लोहे की रॉड भी बरामद की गई है। आरोपियों को जेल भेज दिया गया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। रमाशंकर यादव की पत्नी का प्रेम प्रसंग इस व्यक्ति से चल रहा था और घटना वाले दिन वह मिलने के लिए आया था। परिवारी जन के द्वारा देख लिए जाने पर इसको रमाशंकर यादव के ही दो सगे भाई शिवशंकर यादव, कृपाशंकर यादव और उनके दो रिश्तेदार, एक विनय पुत्र धर्मेंद्र यादव और दूसरा विनय पुत्र दीनानाथ द्वारा मिलकर लाठी डंडे से काफ़ी प्राणांतक चोटें पहुँचाई गई, जिससे इसकी मृत्यु हो गई थी। इस बुरी घटना की सूचना इसके मृतक के दोस्त रमाशंकर को भी थी। बम्बई से वो गाइड कर रहा था, उसको भी इसमें आरोपी बनाया गया है। और आज उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।